जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के ठीक सामने, जहाँ आप देख सकते हैं कि नफे सिंह राठी के जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, समर्थक हैं, तमाम लोग उनके ग्राम स्थान से तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्होंने सड़कों पर उतरना सही समझा, चूँकि वो चाह रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाए, चूँकि अब तक जो हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे नहीं आए हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, और इसलिए तमाम लोग सड़क पर पहुंच गए हैं। सिविल अस्पताल के ठीक सामने तमाम ये समर्थक मौजूद हैं और ये मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से जल्द हथियारों को गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के लिए आप देख सकते हैं कि नफे सिंह राठी की जो शरीर है वो पहुंचा है अस्पताल में, वहां उनका पोस्टमार्टम होना है। किस तरीके से आप लोग मांग रखते हैं, तमाम आप लोग सड़क पे आ गए हैं और अपनी आवाज रख रहे हैं, पुराने नेता हैं, सबके दिलों में थे, क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से अपनी बात करना चाहेंगे, मांग रख रहे हैं अपनी? हमारी मांग ये है कि नफे सिंह राठी जी के हत्यारे उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बड़े अच्छे नेता थे, बड़े सुलझे हुए नेता थे, बड़े ईमानदार आदमी थे, इनके साथ ऐसी घिनौनी घटना घटी है, इससे हम बड़े दुखी हैं। दिन दहाड़े ये घटना होती है और पूरे इलाके में किस तरीके से माहौल उस वक्त उत्पन्न हो गया, लोगों के अंदर ये सवाल एकदम पैदा हुआ कि किस तरीके से इतने बड़े नेता को सरेआम गोली मारी जा सकती है। धोखा देखा है। प्रशासन समझाने पहुंची है, यहाँ पर लोगों को तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पे कदम उठाएगी, तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस वाले हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से तमाम लोग इसमें जुड़ चुके हैं और खोजबीन जारी है, जल्द से जल्द जो हथियारे हैं वो गिरफ्त में आएंगे। मगर यहाँ देखिए कि सड़क पर किस तरीके से जो परिजन है वो पहुंच गए हैं और उन्होंने रास्ता बाधित कर दिया है, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं साफ तौर पर कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, तब होगा पोस्टमार्टम जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, और गिरफ्तारी नहीं होगी, पोस्टमार्टम नहीं होगा और इस सड़क से नहीं हटेंगे। और प्रशासन यहां पर पहुंचा है और बड़े आला अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, वो यहां पर पहुंचे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते को वो छोड़े और ताकि जो रोजमर्रा की जीवन में जो गाड़ियां यहां से गुजरती हैं उन्हें आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के ठीक सामने ये तमाम समर्थक बैठ गए हैं और देख सकते हैं आप साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उनके घर के आगे तो PCR खड़ी कर रखी है आपने, आप कह रहे हो कर रखे हैं, उनको उनकी सिक्योरिटी दे रखी है।
मालिक मरवाने वाले हैं क्या मेरे? मालिक मरवाने वाले हैं मेरे? क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हो आप? ये सब मिली भगत और कुछ ना है, प्रशासन की सरकार की मिली भगत है। गुंडा है सिक्योरिटी में भी गिरफ्तार करो। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं सहेंगे। रगट जा तू। ओए नून चल तू। हामिद भाई ना डिवाइडर कर वो रिकॉर्ड कर लेना ना, लाइव रिकॉर्ड कट गया वो। मरवाने का तो उस टाइम पे था, उस टाइम ये डिले हो गया। ये मरवाने से भी जाते से बदियार से आए थे साहब। एक बात बताओ, इतनी फोर्स की हड़ तोड़ता कौन है? इतनी फोर्स बोले पकड़ में मार दो हड़ तोड़ता मार। यह सब मिली भगत है और कुछ ना है। कोई तोड़ फोड़ ना करनी अड़े, शांति पूर्वक बैठे तो इतनी फोर्स लिया गेर थी। सारा बुद्धि जीव बना गयो अनपढ़ गवार करने। सारे पढ़े लिखे हैं, कोई तोड़ फोड़ ना करे तो इतनी प्रशासन ने घेर दिया। उन्हें पकड़ लो ना, उनके पीछे भेजो प्रशासन है। शीरो पानी मार दिया जो है, शीरो पानी मारे जो उनके लिए प्रशासन में चमचा करी लगे तो हम थोड़ी तरह चमचा करी दिएगी। मैं
जो आदमी आवाज उठा उसमें मार दिए हैं। पानी मारनी है, सुरक्षा मिले है। बैठ जाओ, बैठ जाओ।